देखिए प्यारे गणपति के भोग के लिए बिना मोल्ड के ही हमारे परफेक्ट शेप मोदक बनकर तैयार हुए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना महेश्वरी अपने YouTube चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गणेश चतुर्थी के लिए मैं आप लोगों के साथ एकदम स्पेशल मोदक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें न हमें गैस की जरूरत होगी, न चीनी की जरूरत होगी और न हमें टाइम ही लगेगा। मैं आपके साथ एक ऐसे मोदक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपके लिए नए होंगे और हो सकता है बहुत लोगों ने बनाए हो। तो चलिए बहुत झटपट से अपने ये इंटरेस्टिंग से मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिना गैस और बिना चीनी के ही गणपति का प्रिय भोग मोदक बनाने के लिए मैंने लिए है ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने 5-6 बादाम, 10-15 काजू और ये थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स अपने मन से थोड़े से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ड्राई फ्रूट्स को हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे नाइफ के साथ कट कर सकते हैं और आप चाहे तो मशीन के साथ कट कर सकते हैं। और ये सभी ड्राई फ्रूट्स मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिए हैं। और उसके बाद मैंने लिए ये फ्रेश ब्रेड। ब्रेड जितनी फ्रेश होंगी मोदक उतने ही अच्छे बनेंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और इसके हम एजेस कट कर देंगे। आप चाहे तो बिना एजेस कट करे भी बना सकते हैं, टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं आएगा लेकिन मोदक का कलर थोड़ा सा सांवला हो जाएगा। और चारों ब्रेड के मैंने एजेस कट कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लिया है और ब्रेड का बस रफली तोड़कर हम जार में डाल देंगे और इसका क्रम बना लेंगे। और बस क्रम हमारा बनकर तैयार हो गया है, बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ब्रेड का मोटा टुकड़ा नहीं है, हमें इसके लिए एकदम बारीक क्रम तैयार करना होगा। और इस ब्रेड क्रम को अभी एक साइड से रख देते हैं। और इसके बाद मैंने लिया है ये करीब 200 ग्राम पनीर, जिसे हम एकदम बारीक कद्दूकस के साथ कद्दूकस कर लेंगे। और ये पनीर हमारा कद्दूकस हो चुका है, इसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। पनीर को भी आप जब कद्दूकस करें एकदम बारीक कद्दूकस करें। बस एक बार हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। और अब आ रही है इन्हें मीठा करने की। मीठा करने के लिए हम इसमें ना तो चीनी का यूज करने वाले हैं और ना गुड़ का। हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क और मैंने इसमें करीब 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल दिया है। और साथ ही डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे। और अब आ रही है इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने की। और इस मोदक में ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। ब्रेड हमारा बिल्कुल अच्छा स्मूथ हो चुका है। और इस स्टेज पर हमें इसमें एक चीज और डालने की है और वो है देसी घी। सिर्फ 1/2 टेबल स्पून हम इसमें देसी घी डालेंगे, इससे ज्यादा इसमें घी की जरूरत नहीं है। और घी डालने के बाद एक बार और अच्छे से मसल लेंगे, जिससे और अच्छा स्मूथ हो जाएगा। डो बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ हो चुका है। और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। जितने भी बड़े आप मोदक बनाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से इसके पेड़े तोड़ सकते हैं। हमारे सभी मोदक के लिए पेड़े टूटकर तैयार हो चुके हैं और अब बारी है इन्हें शेप देने की। और शेप देने के लिए हम एक पेड़ा ले लेंगे, हाथ से राउंड करेंगे हल्का सा, बस इस तरीके से देखिए। और ये मोदक की शेप बन चुकी है। और इसकी डिजाइनिंग के लिए मैंने लिए ये एक सिलाई, जिसे हम नॉर्मली जब ऊन सिलाई का कोई काम करते हैं तब यूज करते हैं। हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और आप देखिए बहुत ही सुंदर हमारी शेप बनेगी। और देखिए ये बहुत ही अच्छा सा हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है।
शेप भी बहुत अच्छी आई है, बनाना भी बहुत कम समय लगा है। इसे साइड से रखते हैं और बना लेते हैं। एक और पेड़ा लिया, फिर से राउंड किया, हाथ से हल्का सा दबाया, स्टैंड बना लिया जिससे मोदक अच्छे से सेट हो पाएगा। सिलाई ली, हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और लीजिए सेकंडों में हमारा दूसरा मोदक भी बनकर तैयार है। और हमारे सभी मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। बनाने में मात्र 5 से 7 मिनट का समय लगा है, ना तो हमें गैस की जरूरत पड़ी, ना चीनी की, और ना ही बहुत ज्यादा समय लगा है। पर आप देख सकते हैं कि मोदक देखने में कितने अच्छे बने हैं और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। गणपति जी को आप इन मोदक का भोग लगाएं, गणपति जी जरूर खुश हो जाएंगे। रेसिपी अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है। 5 से 7 मिनट में हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग पनीर और ब्रेड के मोदक बनकर तैयार हैं। इस रेसिपी में ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। रेसिपी अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।